हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की अगली कॉमिक्स आत्मा का प्रतिशोध, जो कि भटकती आत्मा का अगला भाग है। मैं क्या करूं क्या करूं, मैं चाहकर भी तो उसके आदेश की अवहेलना नहीं कर पाता। बस अब तो एक ही उपाय है कि मैं यह शहर ही छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं और चला जाऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा, कल ही मैं ये शहर छोड़ दूंगा। तभी कोठी का एकमात्र नौकर रामू काका चाय की ट्रे लिए हुए भीतर प्रविष्ट हुआ। आजकल किसी के ना होने की वजह से रहीम के लिए चाय, नाश्ता और भोजन आदि वही बना रहा था। उसे देख रहीम ने झट अपने आंसू पोंछ डाले। अरे क्या हुआ तुम्हें बेटा, तुम रो क्यों रहे थे? कुछ नहीं काका, बस राम की याद आ गई थी, पता नहीं और कितने दिन में लौटेगा वह। मैं देख रहा हूँ बेटा कि कल सुबह से तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है? क्या आपने काका को भी नहीं बताओगे? और हाँ, रात तुम कहाँ गायब रहे? मैं भला क्यों परेशान होने लगा काका, बस राम के बगैर दिल नहीं लग रहा, रात भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए घूमने चला गया था। ये बूढ़ी आंखें अब उतनी उड़ती चिड़िया के पर गिन सकती हैं बेटा। खैर, तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लो चाय पियो, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करता हूँ। नाश्ते की जरूरत नहीं काका, मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। उफ, रामू काका भी मेरी परेशानी भाप चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मुझ पर इन 2 दिनों में क्या गुजरी है। लेकिन उसी रात, जब रात के 12 बजे टन टन टन, भैया क्या अपनी अभागिन दीदी से मिलने नहीं आओगे? चले आओ चले आओ भैया। ओह, वह मुझे फिर से बुला रही है, मुझे जाना ही होगा, शायद मेरा दिल उसके दिमाग उसके वश में हो गया है। और ओह, इतनी रात गए वह फिर कहाँ जा रहा है? कहीं वह अपने सर कोई मुसीबत मोल ना ले ले। कुछ देर बाद, तुम आ गए भैया, अच्छा हुआ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आओ मेरे साथ। ठहरो, पहले मुझे ये बताओ कि कल रात शहर में जो खून हुए वह किसने किए और क्यों किए? तुमने किए, और इसलिए किए कि वे दोनों शैतान खूनी और बलात्कारी थे क्या? लेकिन अखबारों में तो हत्यारे का जो हुलिया दिया गया है वह तो तुम्हारे भाई कुंदन से मिलता है। वह भी ठीक है, क्योंकि तुम में और कुंदन में कोई अंतर नहीं है। अंतर है भी तो सिर्फ इतना कि दिन के समय तुम इस रहीम के रूप में रहते हो और रात के समय कुंदन बन जाते हो। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब समझने में समय नष्ट ना करो, चुपचाप मेरे पीछे चले आओ। ओह, शायद मुझे फिर उसी तहखाने में ले जाना चाहती है और मेरे इनकार करने की गुंजाइश नहीं। फिर 1 बजे के लगभग कुंदन एक दरिंदे के रूप में हवेली से बाहर निकला और शहर की ओर चल दिया। आज अमावस की रात है, अपना काम पूरा करने में मुझे और आसानी होगी। इधर पुलिस सुपरिटेंडेंट रमेश शर्मा शहर की गश्त लगाने के पश्चात अभी अभी अपने निवास स्थान पर लौटे ही थे कि एक हल्की सी आहट पाकर पीछे की ओर पलट गए। कौन हो तुम? यमदूत? यमराज ने मुझे तुम्हारे ही प्राण लेने के लिए भेजा है। हे, 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 हे। समझ गया, तुम वही खूनी दरिंदे हो जो कल रात 2 खून कर चुका है। भला इसी में है कि चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना वरना क्या? काली उर्फ पुलिस सुपरिटेंडेंट वर्मा, क्या तुम आत्महत्या करना चाहते हो? नहीं, बल्कि जहां से आए हो वहीं से शहर वहीं की सैर करोगे शैतान, और इस रास्ते से धाए धाए। सुपरिटेंडेंट रमेश शर्मा ने कुंदन पर 2 फायर किए, लेकिन सतर्क कुंदन किसी छलावे के समान उछल उछल कर अपने आप को साफ बचा गया। और इससे पहले कि पुलिस सुपरिटेंडेंट कुंदन पर तीसरा फायर कर पाता, कुंदन ने अपने हाथ में थमा गंडासा उस पर खींच मारा। आई! उसी रात कुंदन ने रमेश वर्मा के अलावा शहर के और दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खून किए। और भोर होने से पहले ही हवेली वापस लौट आया। आज केवल 3 शिकारों को ही ठिकाने लगा पाया हूं दीदी, जबकि मेरा गंडासा अभी भी खून का प्यासा है। कोई बात नहीं भैया, बाकी के शिकार कल हो जाएंगे, अब बात करने का समय नहीं, आओ मेरे साथ। अगले दिन सुबह उन 3 खूनों ने पुनः शहर में आतंक पैदा कर दिया, जबकि उन हत्याओं से बेखबर रहीम गत दिन की तरह हवेली से वापस घर लौटकर बिस्तर पर पड़ा बेखबर सो रहा था। काफी गहरी नींद में है, जगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन आखिर इसे हुआ क्या है? रात को अचानक ही कहीं चला जाता है और भोर होने के बाद ही वापिस लौटता है। अब तो राम बेटे को तार देकर बुलाना ही होगा। एक तो शहर में आज 2 दिन से लगातार खून हो रहे हैं,
जिस पर इस पर इसकी ये हालत। तीसरी रात रहीम ठीक 12 बजे फिर कामनी की आवाज सुनकर हवेली गया। उस रात फिर कुंदन ने 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खून किए, और सुबह जब रहीम हवेली से घर लौटने के पश्चात गहरी नींद सोया हुआ था, तो अचानक उसे किसी ने झंझोड़ कर उठा दिया। आ तो तुम राम भैया, कब आए तुम? अंकल आंटी कहाँ हैं? अभी आया हूँ, लेकिन मम्मी डैडी को आने में अभी 1 सप्ताह और लग जाएगा। लेकिन तुम इस तरह से कैसे दिन चढ़े तक घोड़े बेचकर सो रहे थे? सो नहीं तो और क्या करूं, ना ना पास में कोई काम है और ना ही तुम, अतः सारा दिन पलंग ही तोड़ता रहता हूँ। लेकिन राम भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, वरना मैं स्वयं तुम्हें तार देकर बुलाने वाला था। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। जरूर करना, लेकिन पहले मुंह हाथ तो धो लो। और नाश्ते की टेबल पर, बाकी बातें नाश्ते की टेबल पर ही होंगी। थोड़ी देर बाद नाश्ते की टेबल पर। हाँ, अब बताओ तुम क्या बातें करना चाहते थे? मैं तभी नहीं, इसे कुछ भी बताने की मूर्खता नहीं करना, वरना मेरा जो कुछ वरना मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु तुम एक भयानक विपत्ति में फंस जाओगे, क्योंकि 3 रातों में 8 खून हुए हैं। वह तुमने ही किए हैं, केवल तुमने। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? दरअसल भैया, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि राम उससे अगला प्रश्न करता, ट्रिन ट्रिन, ठहरो मैं देखता हूँ। आह, ये कैसी व्यवस्था है कि मैं चाहकर भी रात में राम से सच नहीं कह पाया। हेलो, राम स्पीकिंग। अरे तुम कब लौटे बेटे? अभी कुछ देर पहले। चीफ अंकल, कहिए क्या आदेश है? दूसरी ओर चीफ मुखर्जी थे। अच्छा हुआ जो तुम वापस आ गए, वरना मैंने तो रहीम से ही कांटेक्ट करने के लिए फोन किया था। तुम ऐसा करो, रहीम को लेकर सीधे ऑफिस ही चले आओ, बातें यहीं होंगी। जी बेहतर है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। क्या चीफ का फोन था? हाँ, उन्होंने हमें तुरंत बुलाया। लगता है अभी हमें उसी खूनी का केस सौंपना चाहते हैं जो 3 दिन में 8 खून कर चुका है। खैर, तुम फटाफट नाश्ता निपटाओ, फिर चलते हैं। नाश्ते आदि से फारिग होकर दोनों सीधे चीफ मुखर्जी के पास पहुंचे। कहिए चीफ, हमें कैसे याद किया? लगता है आजकल तुमने अखबार पढ़ना छोड़ दिया है। ऐसी कोई बात नहीं चीफ, शायद आपका इशारा उन कत्लों की ओर है जो 3 दिन के भीतर भीतर हुए हैं। बिल्कुल ठीक समझे बेटे, उन खूनों से पूरे शहर में आतंक छा चुका है। कातिल के ना पकड़े जाने के कारण जनता में रोष फैला हुआ है। यदि शीघ्र उस कातिल को पकड़ा ना गया तो मुझे डर है कि जनता का कानून और व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। उन खूनों की वजह से ही मैं शीघ्र वापस लौटा हूँ। चीफ, आप मुझे ये बताइए कि पुलिस और आपके विभाग की अब तक की हुई छानबीन की रिपोर्ट क्या है? अब तक पूरी कोशिशें करने के बावजूद भी हम केवल इतना ही जान पाए हैं कि हत्यारा एक कम उम्र का जला हुआ एक दरिंदा है, और उसके हाथों मारे जाने वाले सभी शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उस दरिंदे ने सभी खून रात के 12 बजे से 3 और 4 बजे तक के बीच में किसी तेज धार वाले हथियार से किए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि बेटे, कि वह शैतान रात के अंधेरे में अचानक ही तेज हवा के समान किसी के घर में प्रविष्ट होता है और अपनी इच्छित व्यक्ति का खून करने के पश्चात आंधी के समान निकल जाता है, और लाख कोशिशें करने के बाद भी वह पकड़ा नहीं जा सका। क्या आप ये बता लगा सके कि उस दरिंदे के हाथों मरने वाले वालों की उसमें व्यक्तिगत कोई दुश्मनी थी या नहीं? मरने वालों के परिवार वालों अथवा निकटवर्ती संबंधियों का कहना यही है कि उस होलिये के इंसान को उन्होंने पहली बार ही देखा था। तभी रहीम बीच में ही व्याकुलता से बोल उठा, भैया मैं घर जाना चाहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ओह ठहरो, मैं भी चलता हूँ। अच्छा चीफ, अब हमें आज्ञा दीजिए, जाओ बेटे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस केस को अब तुम ही हैंडल करो। यदि हत्यारा जल्दी से जल्द पकड़ा ना गया तो पुलिस के साथ साथ हमारे विभाग की भी बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि यह केस अब हमारे विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। ठीक है चीफ, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी ओर से उस दरिंदे को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। ईश्वर तुम्हारी मदद करे। दोनों घर वापस लौटे। रहीम, तुम मुझे कुछ परेशान से नजर आ रहे हो, क्या बात है? और हाँ, सुबह तुम शहर छोड़कर कहाँ कहाँ जाने की बात कर रहे थे? मैं 2-3 दिन से घर पर काफी बोरियत महसूस कर रहा हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहता हूँ। रहीम, कहीं तुम्हारी तबीयत ठीक ना रहने का कारण आधी रात के बाद घर से बाहर रहना तो नहीं है? क्या मतलब? मुझे रामू काका ने बताया कि तुम 2-3 दिन से रात को बाहर रहते थे, क्या यह सच है? हाँ भैया, सच है। दरअसल मुझे 2-3 दिन से रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए टहलने निकल जाता था। हो सकता है इसी कारण ही तबीयत खराब हो रही हो। रहीम को मजबूरन फिर झूठ बोलना पड़ा, लेकिन यह दूसरी बात थी कि राम उसके उत्तर से संतुष्ट ना होने के बावजूद भी खामोश हो गया। उसी रात जब 12 बजने में कुछ मिनट शेष थे, क्या बात है, तुमने इतनी रात गए मुझे क्यों जगा दिया?
बहुत सो लिए भाई, अब उठकर फटाफट तैयार हो जाओ, हमें गश्त के लिए जाना है, क्योंकि वह खूंखार हत्यारा आधी रात के बाद ही खून करता है, मारेगा ये। फिर रहीम को तैयार होने के लिए वहीं छोड़ रामसेम भी कपड़े बदलने के लिए एक दूसरे कमरे में पहुंचा। शायद काम में व्यस्त रहने पर रहीम की तबीयत सुधर जाए, आज देखूंगा कि वह खूनी किसकी हत्या करता है और कैसे करता है। तभी टन टन टन, ओह 12 बज गए, अब घर से निकलने में देर नहीं करनी चाहिए। परंतु रहीम के कमरे में पहुंचने पर, अरे रहीम कहाँ चला गया? रहीम रहीम कहाँ हो तुम? रहीम को आवाजें देने के साथ साथ ही रहे राम ने उसकी तलाश में कई कमरे छान मारे, लेकिन रहीम किसी भी कमरे में उसे नहीं मिला। तभी बाहर से मोटरसाइकिल के चलने की आवाज आई और वह लपक कर खिड़की पर पहुंच गया। ओह वह तो रहीम ही है, लेकिन मुझे बिना बताए एकाएक वह कहाँ जा रहा है? राम के मस्तिष्क में एक साथ सैकड़ों विचार लगे आने लगे। रहीम का यह व्यवहार मैं पहली बार देख रहा हूँ, जरूर कोई गहरा भेद है और वह भेद मुझे हर कीमत पर उससे जानना होगा। खैर उसके लौटने पर पूछूंगा कि वह कहाँ गया था। इसके बाद वह वहीं कुर्सी पर बैठकर ऊँघने लगा। सुबह लगभग 5 बजे मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज सुनकर राम की आंखें खुल गईं। फट 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 फट। तो वह आ गया। ठहरो रहीम। ओह भैया तुम अभी तक जाग रहे हो? मैं तुम्हारी बाट जो रहा था, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे यह जरूर बताओगे कि तुम रात भर कहाँ रहे और क्या करते रहे। क्या इन प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, और हाँ मैं अब कोई बहाना भी नहीं सुनना चाहूंगा। सॉरी राम, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। हाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि दोपहर वाली ट्रेन से मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, सीधे तरीके से नहीं तो इस तरीके से ही सही। ओह बताओ रात भर कहाँ रहे तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता, तो मैं बताना ही होगा। उफ। रहीम ज्यादा देर तक राम की पिटाई की ताब ना ला सका। आह बस करो भैया बस करो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। चलो शुरू हो जाओ, लेकिन ध्यान रहे यदि झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं रात को। परंतु तभी कामनी की सम्मोहित कर देने वाला वाली आवाज उसके कानों के पर्दे फाड़ने लगी। खबरदार भैया, यदि मेरे बारे में एक शब्द भी कहा तो अपने प्रिय दोस्त और भाई के राम के प्राणों से तुरंत हाथ जोड़ बैठोगे। बोलो बोलो खामोश क्यों हो गए तुम? उसी समय रहीम की दशा अचानक ही पागल जैसी हो गई। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता, तुम दूर हो जाओ मेरे सामने से। रहीम रहीम क्या हुआ तुम्हें? ओह ये तो बेहोश हो गया, ऐसा दौरा तो मैंने इसे पहली बार पड़ते देखा है। तो क्या सच में रहीम की तबीयत इन्हीं दौरों के कारण ही खराब हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं अर्धरात्रि को इसी प्रकार से दौरे पड़ते हो और यह होशो आवाज खोकर एकदम घर से बाहर निकल जाता हो? परंतु यदि यही वास्तविकता है तो यह सब कुछ इसने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या संकोच था इसे ये बात मुझे बताने में? पहले तो इसने कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। खैर पहले डॉक्टर को फोन कर दूं, फिर सोचूंगा इस बारे में। निसंदेह ऐसी स्थिति से मेरा पहली बार वास्ता पड़ रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि जिस दिन से रात में कत्लों का सिलसिला शुरू हुआ उसी दिन से रहीम भी रात को घर से बाहर रहने लगा है। हेलो डॉक्टर अंकल, मैं राम बोल रहा हूँ, कृपया शीघ्र से शीघ्र हमारे घर पधारने का कष्ट करें, रहीम की तबीयत अचानक खराब हो गई है। ओह मैं अभी पहुंचता हूँ। फिर संबंध विच्छेद करने के पश्चात राम रहीम वाले कमरे की ओर बढ़ ही रहा था कि फोन की घंटी बज उठी। ट्रिन ट्रिन। ओह इतनी सुबह सुबह किसका फोन हो सकता है? हेलो राम स्पीकिंग, आप कौन? मैं चीफ मुखर्जी बोल रहा हूँ बेटे। गजब हो गया, कल रात काफी गश्त के बावजूद विवाह शैतान हत्यारा दो खून और करने में सफल हो गया। क्या पहले की तरह कातिल ने इस बार भी गंडासे का ही प्रयोग किया और मारे जाने वाले व्यक्ति शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से हैं। एक प्रसिद्ध समाज सेवी श्री विश्व प्रसाद सिंह है और दूसरे शहर के बहुत बड़े व्यापारी सेठ दीवान चंद जी हैं। तुम तुरंत मेरे पास कोठी पहुंचो, बाकी बातें यही होंगी। सॉरी चीफ मैं इस समय आपके पास नहीं आ सकता, रहीम की तबीयत अचानक ही खराब हो गई है। ओह अच्छा तो मैं ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ठीक है। उफ ये कैसा चक्कर है, कल रात फिर दो खून हो गए और कल रात रहीम फिर से घर से बाहर रहा, कहीं इन खूनों के पीछे रहीम का ही तो हाथ नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं रहीम उस भयानक शक्ल सूरत के व्यक्ति के मेकअप में खून कर रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रहीम ऐसा नहीं कर सकता। जब चीफ मुखर्जी राम के घर पहुंचे तब तक डॉक्टर शर्मा रहीम को इंजेक्शन व दवाई आदि देने के पश्चात वापस जा चुके थे। चूंकि उन्होंने रहीम को नींद का इंजेक्शन दिया था इसलिए वह इस समय भी गहरी नींद सोया हुआ था। अब कैसी तबीयत है रहीम के बेटे? अब तो ठीक है चीफ अंकल, डॉक्टर साहब ने इसे नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि इसके मस्तिष्क को पूरा आराम मिल सके। उनके कहने के मुताबिक इसके मस्तिष्क पर किसी बात का जबरदस्त प्रभाव था जिसके कारण इसे दौरा पड़ा था और ये बेहोश हो गया था। ओह तब इसे आराम से सोने देना चाहिए, आओ दूसरे कमरे में चलकर बातें करें। दूसरे कमरे में पहुंचकर, हाँ अब बताओ कि किस्सा क्या है, कातिल के बारे में बातें बाद में होंगी। किस्सा तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा अंकल,
फिर भी आपको सुनाता हूँ, सुनिए। फिर राम ने चीफ मुखर्जी को रहीम के बारे में सब कुछ बता दिया। सब कुछ जान सुनकर चीफ मुखर्जी का चेहरा भी गंभीर हो उठा। निसंदेह इन स्थितियों में रहीम का इस तरह रात को घर से बाहर रहना आश्चर्यजनक है। वह कातिल भी रात को 12 बजे के बाद खून करता है और रहीम भी ठीक 12 बजे घर से निकलता है। यही बात तो मुझे भी कचोट रही है अंकल। मुश्किल तो यह है कि रहीम कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं। कहीं कातिल से उसका कोई संबंध तो नहीं? हो सकता है कातिल ने उसे अपने किसी जाल में फांस रखा हो और रहीम इसलिए खामोश हो। फिलहाल मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ अंकल, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज रात मैं किसी न किसी नतीजे पर अवश्य पहुंच जाऊंगा। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? आज रात मैं रहीम को बेहोशी रखूंगा। यदि इसके घर पर रहने के बावजूद भी आज रात खून होते हैं तो यह बात साफ हो जाएगी कि रहीम का कातिल के साथ किसी किस्म का कोई संबंध नहीं है। आज रात रामू काका बेहोश रहीम की देखभाल करेंगे और मैं खूनी की तलाश करूंगा। बहुत दूर की सोची है तुमने बेटे। ईश्वर करे रहीम का उस कातिल से कोई संबंध ना हो और तुम दोनों जल्द से जल्द उस कातिल को पकड़कर कानून के हवाले कर सको। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद चीफ मुखर्जी वापस लौट गए। दोपहर को लगभग 2-3 बजे के करीब जब रहीम की नींद टूटी तो सामने राम को पकड़ उसका चेहरा विचित्र सा उठा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। घबराओ नहीं रहीम, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। हाँ, ये बताओ कि अब तुम कैसे हो? राम के दुलार भरे शब्दों ने रहीम पर संजीवनी बूटी का सा असर किया और वह तुरंत ही सामान्य हो गया। ठीक हो भैया, लेकिन मुझे हुआ क्या था? कुछ विशेष नहीं, बस कुछ समय के लिए तुम होशो आवाज को बैठे थे। चलो अब उठो और भोजन कर लो, फिर आराम करना। डॉक्टर ने तुम्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है। ओ, रात के लगभग 10 बजे। लो ये गोलियां पानी के साथ ले लो। कैसी गोलियां ये भैया? मैं नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर अंकल ने भोजन करने के बाद तुम्हें देने के लिए कहा था। रहीम ने गोलियां लेने में कोई हील हुज्जत नहीं की, लेकिन गोलियों के लेने के लगभग 10 मिनट बाद ही वह गहरी नींद में सो गया। काका, मैं गश्त पर जा रहा हूं, तुम रहीम का ध्यान रखना। वैसे तो इसकी नींद भोर होने से पहले नहीं टूटेगी, लेकिन यदि टूट भी गई और यह कहीं जाना चाहे तो इसे हरगिज मत जाने देना। ठीक है बेटा। राम मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल गया और बूढ़ा रामू एक कुर्सी पर बैठकर चौकीदारी करने लगा। लेकिन रात के ठीक 12 बजे जब दीवार पर लगी घड़ी ने घंटे बजाने आरंभ किए, टन टन टन, ओ 12 बज गए। शुक्र है रहीम अभी भी गहरी नींद में है। भैया उठो भैया, क्या आज अपनी बहन से मिलने नहीं आओगे? उठो चले आओ। और मैं आ रहा हूं दीदी, मैं आ रहा हूं। अरे ये तो जाग गया और बड़बड़ाता तो हुआ जाने की तैयारी में है। ठहरो रहीम बेटे, कहाँ जा रहे हो तुम? छोड़ दो तो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें हरगिज, मैं कहता हूं हट जाओ मेरे सामने से। ओ रुक जाओ रहीम बेटे, रुक जाओ, वरना तुम किसी भयानक विपत्ति में फंस जाओगे। लेकिन रहीम रुका नहीं, बल्कि कोठी से बाहर निकलकर पूरी शक्ति से हवेली की ओर दौड़ पड़ा। उफ, चला गया, मैं बूढ़ा उसका पीछा भी तो नहीं कर सकता। क्या जवाब दूंगा अब राम बेटे को? लगभग 2 घंटे बाद शहर की ही एक कोठी में मिस्टर हरि प्रसाद उर्फ लाखन सिंह, अनाथ आश्रम के कुत्ते मैनेजर, आज तो मैं तुम्हारा ईश्वर भी मेरे हाथों मरने से नहीं बचा सकेगा। नहीं, मुझे मत मारो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो कुछ भी बिगाड़ा है वो तुम्हें याद नहीं आएगा शैतान, क्योंकि तुम शराफत का चोला और दूसरा रूप धारण कर चुके हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, और ना ही मेरा नाम लाखन सिंह ही है। मरने के बाद सब समझ में आ जाएगा। ओ, स्वामी नहीं, पापा। हत्या करने के पश्चात कुंदन बिना समय नष्ट किए बाहर की ओर भागा। खून खून, पकड़ो पकड़ो। हल्ला सुनकर घर के कुछ नौकर चाकर जाग उठे और कुंदन के पीछे लपके, पकड़ो पकड़ो। उनका शोर सुन आस पड़ोस के लोग भी जाग उठे और फिर एक अच्छी खासी भीड़ कुंदन के पीछे लग गई। ये ठीक नहीं हुआ, उस स्त्री के कारण मैं नहा के इस झंझट में फंस गया। अब वापस लौट चलने में ही भलाई है। कुंदन ने अपने दौड़ने की रफ्तार बढ़ाई और पलक झपकते ही उसने पीछा करने वालों को बहुत पीछे छोड़ दिया। पीछा तो छूट गया, लेकिन नहा की आज की रात बर्बाद हो गई। केवल एक ही शिकार हो पाया। आज दीदी जरूर गुस्सा करेगी, परंतु क्या करूं, मैं भी मजबूर था। दीदी ने केवल चुने हुए लोगों को मौत के घाट उतारने के अलावा किसी अन्य को हाथ तक लगाने से मना कर दिया था, वरना ऐसी नौबत आती ही नहीं। तभी पीछे से किसी वाहन की हेडलाइट चमकी। ओह, फिर नई मुसीबत। मोटरसाइकिल सवार और कोई नहीं, राम ही था, जो शहर में चारों ओर गश्त लगाता हुआ संयोग से उसी सड़क पर आ निकला था। अरे कौन हो सकता है वह, और इस कदर तेजी से क्यों दौड़ रहा है? उसे चेक करना चाहिए शीघ्र ही। ए कौन हो तुम? रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। कोई चारा नहीं, कंबकस से अपने पटना ही पड़ेगा। और कुंदन तेजी के साथ पलटा। उफ, ये तो वही हत्यारा मालूम पड़ता है, काफी भयानक है, लेकिन शक्ल राख रहीम से काफी मिलती जुलती है। कहीं ये वास्तव में रहीम ही तो नहीं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?
रहीम तो घर पर इस समय गहरी नींद सो रहा होगा। खैर, अभी पता चल जाएगा। तभी कुंदन ने उस पर आक्रमण किया, पर राम फुर्ती के साथ एक तरफ हटकर अपने आप को साफ बचा गया और कुंदन के हाथ में थमा गंडासा मोटरसाइकिल की हेडलाइट पर पड़ा। बाल बाल बचा, यदि यह बार मुझ पर पड़ा होता तो। हेडलाइट के चकनाचूर होने के साथ ही चारों ओर घटाघोप अंधकार छा गया, परंतु राम ने उसे दूसरा बार करने का मौका ना देकर कई फायर उस पर झोंक मारे, थाए थाए थाए, लेकिन वह भी आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ स्वयं को बचा गया। गजब है, ऐसा विलक्षण इंसान आज तक नहीं देखा। अब तुम नहीं बचोगे। राम ने फिर फायरिंग की, लेकिन कुंदन ने न केवल अपने आप को बचाया बल्कि गजब की फुर्ती के साथ राम पर आक्रमण कर बैठा। परंतु राम भी कम सतर्क नहीं था। गर, 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 उफ। अचानक कुंदन ने राम को एक जबरदस्त झटका दिया जिससे राम के पैर जमीन से उखड़ गए और कुछ क्षणों तक हवा में तैरते रहने के पश्चात वह धड़ाम से सड़क पर जा गिरा। उफ। लेकिन दुश्मन को धराशायी समझ कुंदन जब लापरवाही से पुनः राम के निकट पहुंचा, आई, फिर इससे पहले कि कुंदन संभल कर उठ पाता, बताओ कौन हो तुम और हर रात हत्याएं क्यों करते फिर रहे हो? अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले तुम्हें मरना पड़ेगा। कहने के साथ ही कुंदन ने राम का पैर पकड़कर एक जोरदार झटका दिया। आ! हा, 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 अब कर अपने भगवान को याद। हे ईश्वर, क्या तूने शैतान के हाथ ही मुझे मौत के घाट उतरवाना था? तभी ठहरो कुंदन, इसे मारने में जल्दबाजी मत करो, किसी तरह इसे हवेली ले आओ। मैं अपनी आंखों से इसे तड़प तड़प का मरते देखना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे शिकारों में यह भी एक है। ठीक है दीदी, जैसा तुम मुझे समझो। अगले ही पल, अरे ये मुझे बिना मारे अचानक ही क्यों भाग खड़ा हुआ? लेकिन मौका अच्छा है, इसका पीछा करना चाहिए। दूसरे ही पल, बिना हेडलाइट्स के उस पर नजर रखने में मुश्किल तो हो रही है, परंतु मजबूरी है, इसी अवस्था में पीछा जारी रखना होगा। कुछ देर बाद जब वह शहर के अंतिम छोर पर खड़े हवेली के खंडहरों की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ा, ओह, कहीं वह पुराने खंडहरों की ओर तो नहीं जा रहा? और जब राम कुंदन का पीछा करते हुए चौराहे से जैसे ही हवेली की ओर जाने वाली सड़क पर घूमा, दूर हवेली से आते हुए प्रकाश और उसकी कायाकल्प देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। हे ईश्वर, ये कैसा आश्चर्य है, खंडहरों के स्थान पर हवेली और उसमें प्रकाश भी हो रहा है। राम के देखते ही देखते कुंदन हवेली के भीतर प्रविष्ट हो उसकी नजरों से ओझल हो गया। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, 1 माह पहले ही तो मैं यहाँ आया था, तब तो यहाँ हवेली नहीं थी, केवल उसके खंडहर ही थे, फिर इतने अल्प समय में यह संपूर्ण बनकर कैसे तैयार हो गई? कौन रहता है यहाँ और उसका इस हत्यारे से क्या संबंध हो सकता है? तभी बड़े जोरों से हवा चलने लगी और उसी के साथ द्वार पर खड़ी विशाल मूर्ति के हाथों से भाला निकलकर राम की ओर बढ़ा। ओह नहीं, पुराना होते हुए भाले की नोक में अब भी तेज है। उफ, बाल बाल बचा, लेकिन यह अचानक तेज हवाएं कैसे चलने लगी? आकाश तो साफ है, भीतर ही चलूं, कहीं ऐसा ना हो इस तेज हवा में यह जर्जर हो चली प्रतिमा ही टूटकर मेरे ऊपर आ गिरे। सहसा राम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दबे पांव उसका पीछा कर रहा हो। उसने पलट कर देखा, ओह कोई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? एक बार आसपास का निरीक्षण करने के बाद राम हवेली के भीतर प्रविष्ट हुआ। वह भयानक हत्यारा कहाँ गया? यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन जैसे ही वह विभिन्न कमरों और राहदारियों से गुजरने के पश्चात एक बड़े से सजे सजाए कमरे में पहुंचा, आखिर तुम यहाँ मरने के लिए आ ही गए। हा हा हा, अब नहीं बचोगे शैतान। कौन हो तुम लोग और वह भयानक खूनी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ प्यारे शैतान। ओ, कुंदन को देखते ही राम ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये लड़की और ये आदमी भी तुम्हारे ही साथी हैं। खैर, अब तुम सबकी भला इसी में है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून? हंसना बंद करो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, वरना। लेकिन राम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अरे ये क्या, अब तुम्हारा रिवॉल्वर तुम्हारे ही ऊपर तना है कुत्ते। यदि मैं चाहूं तो इसी समय पूरा रिवॉल्वर तुम पर खाली हो सकता है, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मारूंगी। मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगी कि फिर किसी जन्म में तुम किसी स्त्री की इज्जत लूटने की हिम्मत ना कर सको। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? वे खून तुमने क्यों कराए और मुझे भी क्यों मारना चाहती हो, वह भी बताऊंगी। पहले तुम ये जान लो कि हम जीवित इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हैं, आत्माएं जो प्रतिशोध लेने के लिए एक शताब्दी से इस हवेली में भटक रही हैं। क्या कामनी राम को मार सकी? कामनी ने इतने सारे कत्ल क्यों करवाए? शताब्दी से वह कौन से प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही थी? क्या रहीम पुनः सामान्य हो सका? खंडहर सी प्रतीत होने वाली हवेली रात को जगमगा उठती थी क्यों? क्या राम उन हत्याओं के रहस्यों को सुलझा सका? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इंतजार कीजिए मनोज कॉमिक्स में
राम रहीम की अगली कॉमिक्स खूनी हवेली का। तब तक के लिए धन्यवाद।